हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू डूइंग वेल गाइस। अभी तो बजे है शाम के 5:30 एंड मैं आ चुका हूँ कार में। आप लोग देख सकते हैं कि एकदम प्रीमियम सा एंड मस्त सा हमारा सब कुछ, लाइट्स है, सब कुछ ऑन हो चुकी है एंड अभी कार हमारी करते हैं ऑन। हम तो ऐसे ही मैंने कार कर दी ऑन क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं एसी के ऊपर, जो कि काफ़ी लोगों की वैसे कमेंट आ रखी थी कि इसकी ऑटोमेटिक एसी के ऊपर वीडियो बनाओ प्रॉपर, जो कि हम लोगों को समझ में आ जाए कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसमें हम लोगों के कैसे सिस्टम्स मिलता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को वैसे आइडिया नहीं रहता है एसी के बारे में कि कैसे ऑपरेट करना है ऑटोमेटिक एसी। ऐसा कोई भी कुछ ज़्यादा नॉर्मल ही रहता है, बट आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो कि आप लोगों की भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, मेरी वजह से आप लोगों को कुछ वैल्यूबल कॉन्टेंट मिल सके। तो बात करें हम लोग अभी एसी वेंट्स की, तो ऐसा कुछ हम लोगों को एसी मिल जाते हैं पहले, ये सब इसके कंट्रोल्स है। बात करें हम लोग एसी वेंट्स की, तो ऐसे कुछ हम लोगों को एसी वेंट्स मिल जाते हैं गाइस। आप लोग देख सकते हैं काफी प्रीमियम से आगे 4 और पीछे 2 एसी वेंट्स मिल जाते हैं, तो टोटल हम लोगों को 6 एसी वेंट्स मिल जाते हैं इस कार में, क्योंकि दो पीछे भी मिल जाते हैं हम लोगों को। बात करें हम लोग पहले कंट्रोल्स की, तो इसमें हम लोगों को ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन मिल जाता है एसी, जो कि है ये स्विच, जो ऐसे ही हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू कार टेम्परेचर वो अपने आप ही एडजस्ट करेगा फैन की स्पीड और ये सब कुछ, कि जल्दी से कोल्ड हो सके। तो मैं इसको प्रेस करता हूँ अभी एंड आप लोग देखना ये अपने आप ही इंक्रीज करेगा जो भी इसका फैन की जितने तक पहुँचाएगा। आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है एक एक पॉइंट, जो कार में ज़्यादा टेम्परेचर को जल्दी ठंडा कर देता है ऑटो पे एंड ऑटो पे जो भी टेम्परेचर है इसके हिसाब से पूरा एसी कंट्रोल करता है ऑटोमेटिक एसी। ये कुछ रहता है ऑटोमेटिक एसी का ऑप्शन, और यहाँ से हम लोग इसकी फ़ैन भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं फ़ैन की स्पीड, वो तो आप लोगों को नॉर्मली हर एक कार में मिल ही जाता है। बात करें हम लोग ये साइड की, यहाँ पर हम लोगों को हीटर का ऑप्शन मिलता है, जो हीटर करने के लिए आप लोगों को पूरे यहाँ इस साइड पे घुमाना पड़ेगा रेड साइड, तो तभी इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एंड हीटर ऑन हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि ये गर्म हवा फेंकना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही हम लोगों को लो पे रखना है तो इसका लो कुछ 17 तक जाता है एंड काफ़ी लो पे आ जाता है, तो लो पे काफ़ी कूल कर देती है जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसकी एसी काफ़ी पावरफुल है। बात करें हम लोग इस डिस्प्ले की, तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसे सिम्बल्स देखने को मिलते हैं, लाइक ये है एसी फ़ैन की स्पीड के इंडिकेटर, यहाँ पे है सिम्बल्स मिल जाते हैं, लाइक हम लोग जो भी अभी मैंने डिफोगर ऑन करा तो इसका भी स्विचेस सिंबल आ गया, ऐसे पैर में हवा लगवानी है तो वो भी आ गया इधर, ऐसे कुछ आप लोगों को स्विचेस मिल जाता है यहाँ पे। ये है ऑफ और ऑफ करने का, एसी ऑफ करने का स्विच। अभी करते हैं एसी को ऑन। बात करते हैं हम इस स्विच के बारे में, तो ये स्विच है आपकी एयर सर्कुलेशन की, जो आप लोग बाहर की हवा चाहते हो आपकी कार में, जो आपको इसको बंद कर देना कहे तो बाहर की हवा आपकी कार में आती रहेगी एंड आपको फ्रेश हवा मिलेगी, बट मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड नहीं करता क्योंकि बाहर का डस्ट भी अंदर एसी में आ जाता है। तो मैं और आप लोग कार के ही एसी एयर के एक्चुअली सर्कुलेशन अंदर करवाना चाहते हो तो इसको सिर्फ ऑन रखने का, एज सच ऑटोमेटिक है तो पूरा अपने आप ही ऑन रहता ही है, बट आप लोगों के ऊपर है कि आपको ऑन रखना है या नहीं रखना। ये दूसरा स्विच है डिफोगर्स की दोनों, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से हम लोग पीछे वाला डिफोगर्स ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जब भी हमारी कार में ज़्यादातर फॉग लग जाएगा तो हम लोगों को सिर्फ इसको प्रेस कर देना है, पीछे वाली जो भी जो विंडशील है उसको क्लियर कर देगा फॉग से। सो ऐसा कुछ रहता है ये एंड ये हमारे आगे वाली स्क्रीन का फॉग है, फॉग लैम्प, सॉरी यो डिफॉगर बोलते हैं वो है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ से पूरी हवा छोड़ता है एंड ये सब कुछ ऑफ कर देता है यही। एंड ये है तीसरा जो लास्ट वाला स्विच, वो है हमारी एसी वेंट भी ऑन रहते हैं इसको प्रेस करते ही, बट हमारे को पैर से भी हवा थोड़ी सी लगती रहती है, इसका ये स्विच है। अभी चलते हैं पीछे, ये तो आप लोगों को पूरा आइडिया आ गया होगा गाइस कि कैसे कंट्रोल है। अभी चलते हैं पीछे एंड पीछे वाली जो भी एसी वेंट्स के कंट्रोल्स है वो देखते हैं कि कैसे एसी वेंट आते हैं एंड कैसे कंट्रोल्स मिलते हैं हम लोगों को पीछे भी। सो गाइज़, आप लोग देख सकते हैं कि पीछे वाले हम लोगों को ऐसे कुछ एसी वेंट्स मिल जाते हैं, दोनों साइड के एसी वेंट्स हैं। यहाँ से इसके हम लोग और ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं हवा, जो कि इधर रखनी है तो उधर, इधर रखनी है तो उधर, वो तो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम ही होगा। यहाँ से हम लोग इसको ऑफ़ और ऑन भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ से इसको हम लोग ने ऑफ़ कर दिया, यहाँ से पूरा वेव्स इसका स्टार्ट हो गया। तो ऐसा कुछ रहता है इसके एसी वेंट्स के पीछे वाले एंड टोटल हम लोगों को इसमें 6 एसी वेंट्स मिल जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी प्रीमियम सा है एंड मस्त सा दिया गया है एसी वेंट्स। सो गाइज, आई होप आप लोगों को पूरा अंडरस्टैंड हो गया होगा इस एसी के बारे में। अभी तो मैंने कार को ऑफ कर दी है क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ बाहर,
तो ऐसे कुछ रहते हैं एसी के कंट्रोल्स। एंड आई होप आप लोगों को पूरा अंडरस्टैंड हो गया होगा, और कुछ भी क्वेरीज हो आप लोगों को वरना के बारे में तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि आने वाले टाइम में वो भी कवर कर सकूं। एंड काफ़ी लोगों की वैसे ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट के बारे में भी कमेंट आ रखी है, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे गाइस। सो मेरे को अभी कोई बंदा नहीं मिल रहा शूट करने के लिए, काफ़ी दोस्त काफ़ी लोग बिजी है, अभी मैं अकेला ही रहता हूँ एक्चुअली, तो मेरे को कोई पार्टनर ढूंढना पड़ेगा जो कि मेरे को शूट करने में हेल्प करे। तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि ग्राउंड क्लियरेंस कैसे रहता है, हम लोग इसके प्रैक्टिकल टेस्ट भी कर लेंगे। बट इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय, एंड कमेंट्स करना मत भूलना ताकि मेरे को भी काफी अच्छा लगे, एंड मेरे को मोटिवेशन ज्यादा देने के लिए आप लोग कमेंट्स लाइक सब्सक्राइब शेयर और सब कुछ कर सकते हैं गाइस। तो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय, कीप वॉचिंग कीप स्माइलिंग, साइनिंग ऑफ वेंडरिंग लायन।